हाय स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रागिनी बनाई फ्रॉम भाग्यवेद। अभी आज हम देखेंगे सेकेंड स्टैंडर्ड का हिंदी का लेसन नंबर 5, सजग बच्चे। लेसन का नाम ही है सजग बच्चे। अभी हमारे सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे सजग है कि नहीं पता चलेगा आज के वीडियो से। सभी है कि नहीं जगह पे? नहीं तो एक इधर एक उधर वीडियो स्टार्ट कर दिया है और इधर उधर घूम रहे, ऐसा नहीं चलेगा। सामने बैठो, अपने अपनी हिंदी की बुक निकालो, बुक का पेज नंबर निकालो 42। हो जाए समझदार सब बच्चे, नहीं फैलाए कूड़े कचरे, फूल पेड़ से मुझे सजाए, घूमे फिरे मौज मनाए। बच्चों, इन पंक्तियों को गाइए। आज हम इस पाठ को पढ़कर सजग बच्चों के बारे में जानेंगे। अभी ये पंक्तियाँ जो है, हो जाए समझदार सब बच्चे, बच्चे जो है वो समझदार होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अभी छोटे हैं पर आप कल की पीढ़ी है, यानी कल आप बड़ा होके इस देश को रोशन करने वाले हैं, सबका नाम बड़ा करने वाले हैं। नहीं फैलाए कूड़े कचरे, कूड़ा कचरा जो फैल रहा है, उससे जो गंदगी हो रही है, अलग अलग बीमारियां आ रही है, तो ये जो कूड़ा कचरा है वो नहीं फैलाना चाहिए। फूल पेड़ों से मुझे सजाए, घूमे फिरे मौज मनाए। फूल और पेड़ों से हमें क्या करना है, इस पृथ्वी को सजाना है और ताज़ी सी हवा लेनी है। फूल जो होते पौधे जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं, ताज़ी वाली हवा देती है। तो जैसे ही हम पेड़ लगाएंगे, फूल वाले पेड़ लगाएंगे तो अच्छी अच्छी सुगंध आएंगी उससे, और दूसरे पेड़ लगाएंगे तो उससे हमें ऑक्सीजन मिलेगा, और जितने सारे पेड़ पौधे लगाएंगे तो उससे क्या होगा, गंदगी जो है वो कम होती जाएगी, यानी जो भी पोल्यूशन होता जा रहा है वो उससे क्या होगा, कम होगा। तो चलो अभी पाठ देखते हैं हम लेसन। एक शहर में एक पार्क था, वहाँ दिन भर लोगों और बच्चों की चहल पहल बनी रहती। चहल पहल मतलब दिन भर बच्चे, बूढ़े लोग, उनके मम्मी पापा बच्चों के, ये सब आते जाते रहते थे, उसको कहते हैं चहल पहल। एक दिन शाम को सबके जाने पर पार्क ने राहत की सांस ली थी ही अचानक तेज़ हवा के झोंके से चमेली का पौधा हिलने लगा। अभी देखो, हमारे घर पे कई मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं, वो आते हैं तो कभी कभी हमें अच्छा लगता है अगर उन्होंने गिफ्ट्स लाए, चॉकलेट्स लाए तो बहुत अच्छा लगता है, पर अगर खाली हाथ आए तो ऐसा लगता है ये मेहमान कब जाएंगे भाई, ऐसा लगता है कि नहीं। तो ऐसे ही जो पार्क है उसमें दिन भर लोग आते रहते हैं, तो उन सब के जाने के बाद जो पार्क है वो चैन की राहत ले रहा था कि चलो हाँ अभी सब चले गए, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी ज़रा थोड़ा आराम कर लूँ। तो जैसे ही उसने चैन की सांस ली तो अचानक तेज़ हवा के झोंके से चमेली का पौधा हिलने लगा। तेज़ हवा चलने लगी और चमेली का जो पौधा था वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। अभी देखो, अरे भाई, जो पार्क है रियल में पेड़ पौधे बोलते नहीं है पर वो लिविंग थिंग है, क्योंकि वो बढ़ते हैं, फूल आते हैं, हमें फल मिलते हैं, इसीलिए वो लिविंग थिंग होते हैं। तो हम ये सब इमेजिन किया हुआ है कि ऐसा हो सकता है, और गंदगी के कारण क्या क्या होता है ये सब इस पार्ट में है, तो सिर्फ हमें क्या करना है, इमेजिन करना है। ज़ोर से हवा चली और उसके बाद देखो पार्क में जो सारे पेड़ पौधे हैं, बेंच है, सारे के सारे बोलने लगते हैं। तो देखो क्या होता है, अरे भाई थोड़ा चैन ले दो, लेने दो, क्यों मुझ पर बासी फूल पत्ते गिरा रहे हो, बच्चे गए तो अब तुम मुझे परेशान करने लगे। पार्क भैया जरा इधर देखो, बेंच के पास बच्चों ने कितनी गंदगी फैलाई है, तुम केवल मुझे ही डांटते हो, बच्चों को क्यों नहीं डांटते। अभी जो पार्क है, जो ज़मीन है, वो उस पेड़ को क्या कह रही है कि अरे अभी तो ज़रा सांस लेने के लिए फुर्सत मिली, तो मुझे सांस लेने दो, क्यों अपने जो सूखे हुए पत्ते हैं, फूल है, वो मुझ पे फेंक रहे हो। अभी एक्चुअल में वो नहीं फेंक रहे थे, क्या हो गया था, ज़ोर से हवा आ गई थी, उसकी वजह से वो सब नीचे गिर गए थे। तो
चमेली का जो पौधा है वो क्या बोला, मुझे क्यों डांटते हो, जरा आपके आजू बाजू में देखो बेंच के यहाँ पे कितने सारे गंदगी फैलाई हुई है बच्चों ने। हम क्या करते हैं, पार्क में जाते हैं, चिप्स लेते हैं, कुछ खाने की चीज़ें लेते हैं, खाने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे कूड़ादान होता है यानी डस्टबिन होता है, तो वहाँ पे नहीं डालते, जहाँ पे बैठे हुए वहीं पे डाल देते हैं। ये रॉन्ग है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर कौन बोलेगा, कौन समझाएगा, किसी को भी कितना भी बोलो, सभी को जो करना है वही करते हैं। कहीं पे भी जाओ, देखो इंडिया में किसी भी जगह पे जाओ, अगर हम देखेंगे कि बस में जाओ, बस में क्या करते हैं, लोग खाते हैं और बस से नीचे फेंक देते हैं। रेलवे में भी वैसे ही करते हैं, अगर रेलवे से पैसेंजर सब उतर जाते हैं, साफ करते तो बहुत सारी गंदगी निकलती है। ये सब रॉन्ग है, पर सब समझते हैं फिर भी वैसे ही करते जाते हैं। तो आज के जो बच्चे हैं उनको सजग होना है और उनको क्या करना है, ये सब मिटाना है। तो देखो आगे क्या कहते हैं वो, कि चमेली का जो फूल है वो बोल रहा है कि देखो बच्चे आ गए थे बहुत सारे और उन्होंने बहुत सारी गंदगी की है और आप मुझे डांट रहे हैं। चमेली के पौधे की बात सुनकर पार्क रुआसा हो गया, रुआसा मतलब थोड़ा सा रूट गया और उसके आग भर आई। यह तो उसकी रोज की पीड़ा थी, यानी डेली का ये था कि रोज लोग आते थे वहाँ पे गंदगी करते थे और चले जाते थे। हम नहीं देखते कि दूसरे दिन भी हमें यहाँ पे आना है, हमें ताजी सांस लेने के लिए यहाँ पे आना है, पर क्या हो जाता था, रोज के रोज ये गंदगी करते थे और निकल जाते थे। शुरू शुरू में जब छोटे बच्चे उसमें खेलने आते थे तो वह बड़ा खुश रहता था, अब वे उसमें गंदगी फैलाने लगे थे। उसी गंदगी के कारण पार्क में कई जानवर भी आ जाते थे, अभी जानवर मतलब कुछ जान सांप होते हैं, दूसरे जो गंदगी जहाँ पे आ गई वहाँ पे बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो भी आ जाते हैं और उसकी वजह से वो जो जगह है वो भी ख़राब हो जाती है और हम वहाँ पे जाने की वजह से हम भी क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं। अभी पार्क कह रहा है, पौधे भाई तुम नाराज़ मत हो, मैं बच्चों द्वारा फैलाए कचरे से परेशान हो जाता हूँ पर उनसे कुछ कह नहीं पाता, काश मैं उन्हें समझा पाता। अभी पार्क है वो बोल नहीं पाता, इसीलिए वो समझा नहीं पाता है। अगर हम रास्ते से जा रहे हैं और किसी ने हमारे ऊपर कागज़ फेंका तो हम जल्दी से बोलेंगे, अरे भाई दिखता नहीं है क्या तुझे, मैं क्या कचरा कुंडी हूँ, मुझके मेरे ऊपर फेंक रहा है, तो ऐसा हम बोलेंगे। पर पार्क को पता है क्या, पार्क को बोलना आता है क्या, नहीं आता है। तो इसीलिए जो रात को पेड़ पौधे से वो बोल रहा है कि मुझे बोलना नहीं आता, नहीं तो मैं आप सब बच्चों को बोल देता कि भाई ऐसा मत करो। तब चमेली का जो पेड़ है वो कहता है, पर इस समस्या का उपाय तो सोचना ही होगा, ये जो समस्या है उसका कुछ उपाय तो करना ही होगा, कितने दिन तक हम ये सब सहते रहेंगे। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर खूब सोचा, सोचते सोचते रात हो गई, पार्क और पौधा दोनों ही थक गए थे इसलिए सो गए। सुबह होने पर, अभी रात बहुत हो गई थी, सिर्फ बातें ही करते रहेंगे, वो कुछ उस पर एक्शन नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं। और रात होने पर वो दोनों सो गए और दूसरे दिन जब वो उठ गए तब सुबह होने पर चमेली का पौधा बोल रहा है, अरे इतने सारे बच्चे एक साथ, आज तो ये खूब गंदगी फैलाएंगे। सभी बच्चों को देखकर जो पौधा था वो बहुत ही हैरान हो गया, अरे बाप रे इतने सारे बच्चे, आज तो बहुत धमाल होंगी इनकी और बहुत सारी गंदगी फैलाएंगे। डर के कारण पौधे ने आंखें बंद कर ली, शोर बंद होने पर आंखें खोल कर देखा तो उसने क्या किया, अभी ये शोर मचाएंगे गंदगी करेंगे, उससे बेटर मैं अपनी आंखें बंद कर देता हूँ। तो उसने आंखें जैसे ही बंद कर दी और शोर बंद हो गया तो आंखें खुलने के बाद, अरे यह तो चमत्कार है, बच्चों ने न तो उद्धम मचाया और न ही कचरा फैलाया, जो बच्चे आए हुए थे उन्होंने ना गंदगी की ना शोर मचाया और कुछ भी नहीं। तो क्या किया उन्होंने,
भाई तो उन्होंने क्या किया, वो क्या कर रहे थे, पूरा गार्डन जो है वो साफ कर रहे थे। जितनी सारी गंदगी फैलाई हुई थी उन्होंने वो सब साफ कर रहे थे। वो देखकर पेड़ पौधे और बगीचा भी क्या हो गया, खुश हो गया। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया। तो बच्चे बोल रहे हैं, भाई कल हमने आपकी बातें सुन ली थी, हम जान गए हैं कि गंदगी में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर कोई कचरा हमारे घर के सामने आकर डाले तो हमें अच्छा लगेगा? घर में अगर हम कचरा वैसे ही रखें और वैसे ही दिन भर लेते रहे तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। किसी को भी गंदगी अच्छी नहीं लगती है। अब हम कभी यहाँ कचरा नहीं फैलाएंगे। अच्छा अब हम चलते हैं। जो बच्चे थे उन्होंने सब साफ कर दिया और कल रात को जो पार्क और फूल में जो बातें हुई थी वो बच्चों ने सुन ली थी, इसलिए उनको उनकी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने वो गलती क्या कर दी, सुधार ली। बच्चे तो समझदार हो गए। अब मैं कैसे अपने पत्ते और फूल गिरने से रोकूं? अभी जो पेड़ है वो तो नहीं रोक सकता ना अपने आप को। जब हवा आएगी तो पत्ते नीचे गिरेंगे, फूल नीचे गिरेंगे। तो जो पार्क है वो कहता है, तुम्हारे फूल पत्ते तो मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वे तो मेरी मिट्टी में मिलकर मुझे उपजाऊ बनाते। अभी उपजाऊ मतलब जो मिट्टी होती है उसमें अगर ये पेड़ पौधे गए तो वो क्या हो जाता है, जो ज़मीन होती है वो उपजाऊ होती है। मतलब उसमें कोई भी हम अगर पेड़ लगाएंगे, कुछ भी बोएंगे तो अच्छे फल ही देंगे, यानी वो जो मिट्टी है वो अच्छी बन जाती है। मैं तो इंसानों द्वारा फैलाए गए कचरे से ही परेशान होता हूँ क्योंकि उसमें प्लास्टिक मिला हुआ है। अभी बोतल जो है वो प्लास्टिक है, कैरी बैग्स है वो प्लास्टिक है, अदर जो दूसरी चीज़ें होती है उसमें भी प्लास्टिक होता है। पेपर की रद्दी जो होती है वो भी क्या होता है, उसमें जो स्याही होती है, स्याही तो वो भी क्या होती है, गंदी होती है। वो अगर हमारे गलती से मुंह में चली गई तो उससे कैंसर हो सकता है। यानी ये सब चीज़ें क्या है, हानिकारक है। फिर भी हम क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। एक्चुअल में यूज़ नहीं करना चाहिए जो भी प्लास्टिक की चीज़ें। जो प्लास्टिक है वो एक बार बनता है पर वो नष्ट नहीं होता, वो वैसे के वैसा रहता है। पार्क की यह बात सुनकर पौधा ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसके इस तरह हंसने से फिर कुछ फूल झड़कर पार्क में गिर गया। और जैसे ही पार्क बोला कि अरे तुम्हारे जो पत्ते होते हैं उससे मुझे कोई भी नुकसान नहीं है, उल्टा क्या है, फ़ायदा है। तो ये बात सुनकर चमेली का पौधा हंसने लगा और हंसने की वजह से उसके कुछ पत्ते जो है वो फिर से पार्क में गिर गए। अब पार्क को उन फूलों पत्तियों से झुंझलाट नहीं हो रही थी क्योंकि अब उसे लग रहा था कि भारत के बच्चे सजग बन रहे हैं, उन्हें स्वच्छता का महत्व मालूम हो गया है। अब वह सदा साफ सुथरा और सुंदर रहना जैसा कि वह चाहता है। अभी जैसे वो चाहते थे वैसा ही वो सुंदर पार्क रहेगा। और हमें भी कहीं भी जाए, हमारा घर हो, स्कूल हो, ट्यूशन हो या बाहर कहीं हम घूमने जाए, तो हमें क्या करना है, ऐसे गंदगी नहीं फैलानी है। जहाँ का है कहीं भी हम रहेंगे वहाँ पे क्या करनी है, हमें स्वच्छता ही रखनी है। कहीं भी बाहर जब हम जाते हैं तो बाहर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं तो वो फेंकना नहीं है, उससे क्या होते हैं, डिसीजेस होते हैं। ये कचरा जो है वो बहुत उसमें इंसेक्ट बैठते हैं और ये इंसेक्ट जो है वो कचरे पे बैठ के हमारे घर में आ जाते हैं और उससे क्या होते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, बीमारियाँ बढ़ रही है। तो इस बीमारियों को रोकने के लिए कचरा नहीं करना चाहिए। गार्डन में जाओ, कहीं भी जाओ, घर में रहो, पर कचरा नहीं करना है, साफ सुथरा रखना है और खुद को भी साफ रखना है। हाथ धोते रहना है, अभी हाथ धोना बहुत ज़रूरी हो गया है ना। तो देखो आगे अभी ये लेसन यहीं पे ख़त्म हो गया है। आगे हम देखेंगे अभ्यास पेज नंबर 47। निकालो बच्चों, निकाला क्या? तो देखो आगे, देखो लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अभी सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। बच्चों ने कूड़ा डैश डैश में डाला, कहाँ पे डाला बच्चों ने कूड़ा, डस्टबिन में डाला। भारत के बच्चे डैश डैश बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, सजग। तो सजग पे क्या करना है, टिक करना है।
चमेली का पौधा डैश डैश हिलने लगा, चमेली के जो पौधा था वो किससे हिलने लगा? हवा से। क्वेश्चन नंबर टू है, कुछ शब्दों में उत्तर लिखें। पार्क क्यों उदास था? क्यों उदास था? गंदगी के कारण पार्क जो था वो उदास था। चमेली के पौधे को पार्क में क्या नजर आया? जो चमेली का पौधा था उसे पार्क में सभी जगह पे क्या नजर आया? गंदगी। बच्चे क्या समझ चुके थे? स्वच्छता का महत्व। अभी पेज नंबर 49 निकालो, उसमें है व्याकरण संबोध। अभी हम ग्रामर का देखेंगे कुछ। चित्र को देखते हुए जो शब्द है वो उल्टे पुल्टे कर दिए हैं, तो वो हमें सीधे लगाने हैं। अभी यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है हमें, कूड़ा घर। पर यहाँ पे शब्द क्या किए हुए, इधर उधर लगाए, तो आगे हमें क्या लिखना है? कूड़ा घर। तो क क को कूड़ा घर ऐसे वहाँ पे लिखना है। सेकंड है, क्या दिखाई दे रहे थे? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। नेक्स्ट है, जो आप सबको पसंद है, आइसक्रीम। ओके, नीचे दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। अभी नीचे शब्द दिए हुए हैं लड़की और लड़का, यानी मेल एंड फीमेल। तो देखो चमेली, चमेली क्या हुआ? लड़की का नाम हो गया ना, लड़की। तो लड़की की तरफ लिखेंगे चमेली। पेड़ यानी लड़का। गंदगी लड़की। कचरा लड़का। हवा लड़की। और शहर लड़का। ऐसे डिवाइड करना है। उसके आगे है वर्ण पर मात्राएं लगाकर उनसे एक एक शब्द लिखिए। अभी यहाँ पे वर्ण दिए हुए, क दिया हुआ है, क क्या दिया हुआ है? कॉमन दिया हुआ है। और उससे हमें क्या बनाना है? वर्ड्स बनाना है। यानी पहले क्या दिए हुए है? आ की मात्रा, ई की मात्रा, दूसरे वाली ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऐसे दी हुई है, ए की मात्रा। तो इससे हमें क्या बनाने हैं? वर्ड बनाने हैं। तो क से ये क्या हो गया? को, क को आ की मात्रा, का न। अभी को पहली वाली ई की मात्रा, किताब। को दूसरी वाली की मात्रा, किसान। को ऊ की मात्रा, कू से क्या बनता है? कुदरत। अभी को पहली वाली की मात्रा, कुछ। और को ए की मात्रा, यहाँ पे ओ की मात्रा है, को य ल। ये हो गए वर्ड्स, ये वर्ड्स आपको वहाँ पे लिखना है। ओके, समझ में आया आपको ये लेसन? सजग बच्चे यहीं पे ख़त्म होता है। ओके बच्चों, बाय।